वडोदरा के आसमान में आज एक अद्भुत खगोलीय घटना नजर आई। दरअसल अंतरिक्ष से धरती पर एक जलती हुई चीज गिरती हुई दिखी, जिसके चलते लोगों में कौतूहल जाग उठा। वैसे इस मामले के चलते आसमान में यूएफओ के दिखने की अफवाहों ने भी रफ्तार पकड़ी और लोगों में काफी उत्सुकता देखने मिली। वैसे वडोदरा शहर की जनता की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में इस चौंकाने वाली घटना को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की गई और लोगों की ओर से कैद किए गए ये वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहे हैं। वैसे इस खगोलीय घटना पर खगोल शास्त्री दिव्य दर्शन पुरोहित ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार मित्रों, मैं दिव्य दर्शन पुरोहित गुरुदेव वेदशाला से बोल रहा हूँ। अभी 8:40 हो रहे बड़ौदा में और अभी लगभग 1.25 घंटे पूर्व से हमको काफी व्यूअर्स के वीडियोस मिल रहे हैं। उसमें दिखा गया, बड़ौदा की बात करें सावली तक भी दिखा गया, सावली से भी मैसेज थे, वीडियो थे, बड़ौदा से भी थे। पूर्व दक्षिण की ओर दिशा में एक बड़ा साग का गोला धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ चला रहा है और वीडियो में दिखाई देता है। तो ये क्या हो सकता है? गुरुदेव वेदशाला से अगर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करें और उसका साइंटिफिक उसका प्रीव्यू करें तो ऐसा स्पष्ट लग रहा है कि जैसा गुरुदेव वेदशाला ने प्रेडिक्ट किया था और बताती आ रही है सालों से कि हमें स्पेस डेब्रिस का खतरा है, स्पेस डेब्रिस का खतरा है। यानी कि आसमान में अभी 3,000 से ज्यादा उपग्रह घूम रहे हैं और स्पेस वॉर चल रही है। 10,000 से ज्यादा उपग्रह इस साल भेजे जाएंगे और आने वाले समय में 1,00,000 उपग्रह हो जाएंगे। तो ये उपग्रह का टुकड़ा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जिस एंगल से वो गिर रहा है, जिस स्पीड से गिर रहा है और गिरने के बाद में दो टुकड़ों में विभाजित होता हुआ गिर रहा है, वो रेडिश कलर का उसके आसपास में एक गोला बनता हुआ चला जा रहा है और इसके पीछे एक लंबी सी पूंछ जैसी दिखाई दे रही है। ये सब कुल मिला के हमें लग रहा है और जितनी लंबी में दो मिनट तक का वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, मगर जब ऊपर से वो गिरा तब लोगों को मालूम नहीं होगा। तो हो सकता है कि 400 किलोमीटर ऊपर से गिर रहा हो उसका वीडियो नहीं है तो 4-5 मिनट लगी हो, तो स्पेस डेब्रिस का टुकड़ा होने की 100% संभावना लग रही है। सेकंड ओपिनियन में वो फायरबॉल किसी मीटियर का हो सकता है, मगर अभी वर्तमान में तो हमें ये लग रहा है कि ये ही है। और जहां भी गिरा होगा वहां से 500 किलोमीटर की पेरिफेरी में दिखा हुआ उतनी ऊंचाई से गिरा है और इतना तेजस्वी था ये स्पेस डेब्रिस थी। और हमारे मानना जहां गिरी होगी वहां पर उसका बचा खुचा मलबा भी गिरा होगा तो, और उसमें उसके आसपास में आवाज भी आई होगी, धमाका भी होगा और रेडियो सिग्नल्स भी प्राप्त हुए होंगे। क्योंकि रेडियो सिग्नल्स की हमारी ऑब्जर्वेटरी का गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी का अभी बंद है, नहीं तो हमारे यहाँ भी रेडियो सिग्नल्स को मिले होते। मगर जहां भी अगर कोई हैम रेडियो ऑपरेटर है तो उसको भी मिले होंगे। ये मतलब कुल मिला के अभी वर्तमान में हमारा मानना ये है कि स्पेस डेब्रिस का ही एक टुकड़ा गिरा है और हमें बचने के लिए हमें सबको आवाज उठानी चाहिए। तो आने वाले समय में 1,00,000 उपग्रह जब आसमान में घूमेंगे तो हम नीचे से नहीं मरेंगे, ऊपर से आकर के हमें मृत्यु वरण कर लेगी, तो इससे बचने की आवश्यकता है। मित्रों आइए प्रार्थना कर युद्ध की, प्लैंडेमिक की और ग्लोबल वार्मिंग की समाप्ति के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया। नमस्कार मित्रों, अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।